बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान रोजगार खबर में। डीएस गुरु जी की तरफ से हमें खबर आपको दे रहे हैं। आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लगातार एक साथ छह भर्तियां निकाली है। दो भर्तियां आज के दो दिन पहले निकली थी, उसके बाद तीन भर्तियां और अब छह भर्तियां। अभी तक टोटल 11 भर्तियां निकल चुकी है। आरपीएससी ने भर्तियों की झड़ी लगा दी है, एक साथ छह भर्तियां निकाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये यहाँ पे राजस्थान लोक सेवा आयोग का पोर्टल आप देख रहे हैं। पहली भर्ती जो है, डेट आज की 29/3/2018, डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ E07/2017-18 की भर्ती है। सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड की ये भर्ती है, टीएसपी के लिए भर्ती है। दूसरी भर्ती जो 29/3/2018 एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2017-18 की भर्ती है, फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती नॉन टीएसपी 2018 के लिए। डिटेल जो अपना एडवर्टाइजमेंट है इनकी सभी भर्तियों के बारे में, टोटल छह भर्तियां आज निकली 29 तारीख की डेट में, आप देख सकते हैं। डिटेल में हम जानकारी प्राप्त करते हैं क्या क्या चीज इन भर्तियों में है, किस किस प्रकार की भर्तियां हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम सभी भर्तियों की जानकारी देंगे, इसके बाद में जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसमें एक एक करके भर्तियों की जानकारी होगी। और जो भर्तियां हैं यहां पर निकली, मैं आपको बता दूं, पहली भर्ती है फिजियोथेरेपिस्ट की, दूसरी भर्ती है आपके पास परीक्षा संस्कृत शिक्षा की भर्ती, विज्ञापन संख्या 11 यह है। तीसरी जो भर्ती है परीक्षा विज्ञापन संख्या 10, परीक्षा प्रधानाध्यापक संस्कृत शिक्षा के लिए निकली है। कल जो भर्ती निकली थी वो प्रधानाध्यापक की थी, आज प्रधानाध्यापक संस्कृत शिक्षा उसकी भर्ती निकली है। चौथी जो भर्ती है वो है विशेष शिक्षा टीएसपी के लिए यह है। और पांचवी जो भर्ती है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई है वो है टीएसपी संस्कृत शिक्षा की। और छठी जो भर्ती है वो है फिजियोथेरेपिस्ट टीएसपी के। तो कुल मिलाकर टीएसपी और नॉन टीएसपी में ये भर्तियां निकली है। टीएसपी और नॉन टीएसपी के बारे में जानकारी हम आपको दे दें, टीएसपी वो एरिया होता है जो आदिवासी क्षेत्र जहां पर माना जाता है, वहां पर सामान्य क्षेत्र के तुलना में बहुत ज्यादा आरक्षण वहां पर होता है। तो इस प्रकार से ये भर्तियां होती है, उनका कोटा अलग होता है, आपका कोटा अलग होता है, इस प्रकार से अलग अलग ये भर्तियां निकाली गई है। पहली भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, पहली भर्ती फिजियोथेरेपिस्ट की, टोटल 28 पोस्ट है, सामान्य के 12 पोस्ट हैं और आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। मैट्रिक लेवल L11 पर होगा, अच्छा खासा पेमेंट आपको मिलेगा। टोटल सीटें इसमें है, नंबर ऑफ पोस्ट 28। अगली जो भर्ती निकली वो विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा संस्कृत शिक्षा के लिए निकली है और ये ईपी के लिए, EP1 के लिए 17-18 का। विषय का नाम है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इनके अलग अलग पदों पर बहुत बड़ी ये भर्ती है दोस्तों। कुल पदों की संख्या इसमें है 183, 161, 193, 192, कुल मिला के 400-500 से भी ज्यादा ये पद है। अलग अलग पद की व्याख्या हम अलग अलग समय पर करेंगे, अलग अलग जो स्पेशल वीडियो में आएगा। फिलहाल हम जानकारी देते हैं समस्त भर्तियों की। तो ये भर्तियां दूसरे नंबर की भर्ती है। तीसरी जो भर्ती है विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा प्रधानाध्यापक संस्कृत शिक्षा के लिए, कल जो भर्ती निकली थी वो निकली थी आपकी ओनली, सिर्फ और सिर्फ आपकी निकली थी प्रधानाध्यापक की, आज प्रधानाध्यापक संस्कृत शिक्षा की ये भर्ती है। और इसमें आपके टोटल पद हैं 35, 35, 70, 70, 20, 90, 90, 20, 110, 110, 20, 130, 130, 134 पदों पर ये टोटल प्रधानाध्यापक संस्कृत शिक्षा के लिए भर्ती निकाली गई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा। सबसे पहले जानकारी हम दे रहे हैं, इनकी डिटेल एनालिसिस हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके बाद विशेष टीएसपी, टीएसपी एरिया जो है उनके लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए भर्ती निकली है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 के बाद आता है जो जितनी भर्तियां, टोटल योग 17 पोस्ट इनका है और 17 भर्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई विशेष टीएसपी शिक्षा के क्षेत्र में। तो टोटल 4 भर्तियां होगी, पांचवी भर्ती के लिए है, टीएसपी एरिया के लिए, ये आपके लिए नहीं है। टीएसपी एरिया में जो भर्ती आपके लिए मैं कह रहा हूँ, सामान्य लोगों के लिए नहीं है, जो टीएसपी एरिया में नहीं रहते उनके लिए, जो टीएसपी एरिया में रहते हैं उनके लिए टोटल भर्तियां निकाली है 17 संस्कृत की, हिंदी के 04 पद है, अंग्रेजी के 07 पद है, गणित के 10 पद है, विज्ञान के 08 पद है और सामाजिक विज्ञान के टोटल 4 पद है। कुल मिलाकर इतनी भर्तियां पहली बार एक साथ निकल रही है, 11 भर्तियां आरपीएससी निकाल चुकी है। आज की छठे नंबर की जो भर्ती है वो है फिजियोथेरेपी टीएसपी के लिए और ये निकाली गई राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा। सामान्य के लिए 2 पद है, टोटल पद इसमें 2 ही है, तो ये थोड़ी छोटी भर्ती है, बाकी बहुत सारे पद आज की भर्तियों में निकल चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे एक एक करके विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे अगले वीडियो में। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड सम टाइम टू एनालिसिस दिस ऑल वैकेंसीज। सो हमें, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए डीएस गुरुजी में इतना ही, राजस्थान रोजगार खबर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।